गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे थे। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल कंपन का हम अध्ययन करेंगे। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो होते हैं यानी कि वाइब्रेशनल कंपन जो होते हैं उससे हम लीनियर अणु में 3N-5 और नॉन लीनियर यानी अरेखीय अणुओं में 3N-6 फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक वर्ण नियम आता है जिसे हम सेलेक्शन रूल भी कहते हैं। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेलेक्शन रूल क्या प्रदर्शित करता है या इस सेलेक्शन रूल को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जब वाइब्रेशंस की हम बात करते हैं तो वाइब्रेशनल में दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं, एक अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंग्लिश में भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ही कहते हैं। तो किस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल क्या होगा और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिलेक्शन रूल क्या होगा? देखिए, जब किसी अणु में कंपन होते हैं तो एक विद्युत वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर उत्पन्न होता है। क्यों? उस अणु में परमाणुओं के दोलन के कारण, दोलन के कारण क्या उत्पन्न होता है? दोलन के कारण विद्युत वेक्टर उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? अणु में परमाणु क्या करते हैं? दोलन करते हैं। अणु में परमाणु क्या करते हैं? दोलन करते हैं। तो दोलन करने से क्या होगा? दोलन करने से जो हमें बैंड प्राप्त होते हैं उन बैंडों की आपस में अन्योन्य क्रिया के द्वारा उन बैंड या अवशोषण बैंड का विस्थापन हो जाता है। अब विस्थापन निम्न यानी लोअर साइड भी हो सकता है और उच्च यानी कि अपर साइड भी हो सकता है। तो अब लोअर साइड होगा मतलब निम्नतर होगा या उच्चतर होगा और किस प्रकार के अणु में कौन सा स्पेक्ट्रम आएगा, इसको हम वर्ण नियम यानी सिलेक्शन रूल से देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो अणु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो अणु होते हैं जो केंद्रीय रूप से सममित होते हैं, ठीक है, और उनमें वाइब्रेशन यानी कंपन होने के बाद भी विद्युत साम्यता बनी रहती है। यानी अणु जो है वो सममित है और उसमें कंपन होने के बाद भी उसमें सममिति बनी रहती है। उस कंपन होने के बाद जो सममिति बनी रहती है उसको हम विद्युतीय सममिति कहते हैं। यानी कि अणु सममित हो और कंपन होने के बाद भी विद्युत सममिति बनी रहे तो उसमें कौन सा स्पेक्ट्रम पाया जाएगा? रमन स्पेक्ट्रम पाया जाएगा। और क्या नहीं पाया जाएगा? आईआर स्पेक्ट्रम नहीं पाया जाएगा। पाया जाएगा का मतलब है कि जो अणु केंद्रीय सममिति युक्त होते हैं और कंपन के बाद भी उनमें विद्युत सममिति बनी रहती है वो कौन सा स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं? रमन स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उन्हें रमन सक्रिय कहते हैं। वो आईआर यानी अवरक्त वाले स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसलिए रमन तो वो एक्टिव होंगे यानी सक्रिय और आईआर क्या होंगे? वो आईआर अवरक्त क्या होंगे? वो अक्रिय होंगे, इनएक्टिव। ये चीज़ समझ में आई आपको? अब दूसरे टाइप के अणु की बात हम करते हैं। दूसरे टाइप के अणु वो होते हैं जो जिनमें या तो पहले से द्विध्रुव आगुण पाया जाए या केंद्रीय तो सममित हो सकते हैं, सममित तो हो सकते हैं लेकिन उनके कंपन के बाद वो केंद्रीय सममित नहीं रह जाते हैं। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है तो C(OO) तो वैसे तो ये रेखीय है और सममित है लेकिन क्या ऑक्सीजन के कंपन के बाद इसकी सममिति बनी रहती? नहीं, ऑक्सीजन के कंपन के बाद इसकी सममिति नहीं बनी रहती है। अगर ये इसमें जो
तनन कंपन होंगे वो दो प्रकार के होंगे, सममित और असममित। असममित वाले जो कंपन होते हैं ना वो उसके कारण सममिति नहीं बनी रहती है। सममिति नहीं बनेगी तो क्या होगा, फिर रमन तो अक्रिय हो जाएगा और अवरक्त यानी आयर सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊँगा। अब यानी कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की क्या होगी, पूरक हो गई। पूरक कैसे हो गई, यानी कि सममिति है और सममिति बनी रहेगी तो रमन सक्रिय और अवरक्त असक्रिय है। ठीक है, और अगर असममित बनी रहती है, वाइब्रेशन एक कंपन होने के बाद असममिति आती है तो रमन तो अक्रिय हो जाएगा और आईआर यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी सक्रिय हो जाएगा। यानी सममित की स्थिति में आईआर वाला शो करेगा और सॉरी सममित की स्थिति में रमन वाला शो करेगा और असममित की स्थिति में आईआर वाला शो करेगा। यानी सममित की स्थिति में रमन एक्टिव यानी सक्रिय होगा और असममित की स्थिति में आईआर यानी अवरक्त सक्रिय या एक्टिव होगा। ठीक है, अब अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसमें कौन सा गुण होता है, वो सूचनात्मक है यानी कि जानकारी देता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह मेनली होते हैं और जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो कभी सममित नहीं होते हैं, और जब असममित होंगे तो वो क्रियात्मक समूह क्या प्रदर्शित करेंगे, आईआर यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रदर्शित करेंगे। अब कोई अणु है वो सममित होगा या नहीं होगा इसको हम डिफरेंट अवस्थाओं यानी विभिन्न अवस्थाओं में भी देखते हैं। जैसे कोई अणु गैसीय अवस्था में तो सममित हो सकता है, लेकिन हो सकता है जब ठोस अवस्था में हो तो वो सममित नहीं हो, असममित हो जाए। तो इसलिए ठोस, द्रव और गैस इन तीनों अवस्थाओं में कोई अणु सममित है या नहीं है वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है वो अणु गैस अवस्था में सममित हो और ठोस अवस्था में सममित नहीं हो, या उल्टा भी हो सकता है कि द्रव अवस्था में मान लो कि सममित है और ठोस अवस्था में सममित नहीं है, या द्रव अवस्था में सममित है और गैस अवस्था में सममित नहीं है। तो कोई अणु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में अलग अलग तरह से सममिति और असममिति का प्रदर्शन करता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। अब मैं आपको इसके एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं, C(OO)। अब देखिए इसमें कितने एटम हैं, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है और यह कार्बन है, तो टोटल तीन एटम हुए। और ये क्या है, रेखीय है, क्या है ये, रेखीय लीनियर। तो लीनियर में जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं तो किस फॉर्मूले से गणना करते हैं, हम गणना करेंगे 3n-5 के फॉर्मूले से। तो देखो बेटा, तीन तो ये हो गया, एन की जगह नंबर ऑफ एटम, परमाणुओं की संख्या, तो परमाणु कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तीन है, माइनस पाँच तो है। अब 3 × 3 कितने हो गए, 9 - 5 तो बराबर कितना आएगा, 4। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में 4 वाइब्रेशनल अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे। तो वाइब्रेशनल अवशोषण बैंड कौन कौन से प्राप्त होंगे, है ना, पहली चीज। अब इन 4 में से क्या होगा, ये 4 हैं, इनमें से 3 अलग और एक अलग। अब 3 अलग एक अलग कैसे, देखिए जो 3 अलग हैं ये तो आईआर सक्रिय होंगे, आईआर यानी कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जो 4 में से 3 तो आईआर, और वो जो एक बचा वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सक्रिय होगा, RAMAN रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सक्रिय होता है। ठीक है, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में 4 अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे जिनमें से 3 आईआर एक्टिव होंगे, क्योंकि उनमें द्विध्रुव आगुण उत्पन्न होता है। द्विध्रुव आगुण क्यों उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन के कंपन के कारण। तो ऑक्सीजन कंपन करता है, तो देखो ऑक्सीजन कैसे कैसे कंपन है करता, देखिए जो ऑक्सीजन है एक तो वो स्ट्रेचिंग यानी तनन कंपन करेगा, और एक वो करेगा बंकन। तनन वाले में लंबाई में परिवर्तन होगा, बंकन वाले में कोण में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा, कोण में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जिसमें कोण में परिवर्तन हो रहा है उसमें तो द्विध्रुव आगुण चेंज होना ही है। ठीक है, तो अब देखिए तनन कंपन और बंकन कंपन, ये तनन कंपन भी 2
और बंकन कंपन भी दो। अब देखिए जो दो बंकन कंपन हैं इसमें तो बंद कोण में चेंज होगा, बंद कोण में चेंज होगा तो द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होगा। द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन नहीं होगा या द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा तो ये दो तो हमेशा क्या होंगे, आई आर एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो तनन कंपन वाले दो हैं ये बचे, इनमें से एक होगा सममित और एक होगा असममित, ठीक है। तो जो असममित होगा वो असममित में भी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा और असममिति के कारण ये भी आई आर सक्रिय हो जाएगा। और जो एक सममित वाला है, सममित वाले कंपन में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा इसलिए सममित वाला ही रमन एक्टिव होगा। तो देखो आई आर कितना हो गया, दो आई आर तो ये जो कि बंकन कंपन के कारण है और एक आई आर ये जो कि तनन कंपन के कारण है लेकिन तनन में असममित के कारण, तो दो और एक तीन, तो टोटल तीन तो हो गए हमारे पास में। टोटल तीन हो गए हमारे पास में, दो तो बंकन वाले प्लस एक तनन कंपन असममिति वाला, तो टोटल तीन तो हो गए हमारे पास आई आर एक्टिव यानी आई आर सक्रिय। और तो एक था बेचारा जो कि कौन सा था, तनन कंपन जो कि सममित था, सममित है तो द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन नहीं होगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा तो ये जो सममित वाला एक है ये रमन एक्टिव हो जाएगा। तो रमन सक्रिय तो एक है और आई आर सक्रिय कितने हैं, तीन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने तरह के कंपन होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में वाइब्रेशनल कंपन चार तरह के होते हैं, चार में से कितने अवरक्त सक्रिय हैं और कितने रमन सक्रिय हैं, अवरक्त सक्रिय हैं तीन और रमन सक्रिय एक। अवरक्त सक्रिय तीन कौन से, दो तो बंकन वाले और एक तनन में असममित वाला, और रमन वाला सक्रिय कौन सा है, तनन में सममित वाला रमन सक्रिय है। आप लोगों को यहाँ तक थोड़ा बहुत आया समझ में, ठीक है। आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो तीन ट्रांसलेशनल, तीन रोटेशनल और वाइब्रेशनल कितने, 3n-5। अभी हमने फॉर्मूले से निकाला ना 3n-, ये है वाइब्रेशनल। अब वाइब्रेशनल जब हमने फॉर्मूले से निकाले तो वाइब्रेशन हमारे पास टोटल कितना आ गया, चार आ गए, चार में से तीन और एक, तो तीन तो आई आर सक्रिय और एक रमन सक्रिय होगा, ठीक है। ये नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से देख सकते हैं, और मैंने असाइनमेंट भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है, वो सॉल्व करके आप उसका पिक वगैरह खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे ताकि मैं एक बार चेक करके आपको बता सकूं कि कहाँ आपने सही लिखा है, कहाँ और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और पिछले साल के जो क्वेश्चन आए वो मैंने सॉल्व करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप टाइप करके या फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं इसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप इसको और रिवाइज्ड भी कर सकते हैं। और थैंक यू स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ लाइव एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मॉलिक्यूल लेंगे और मॉलिक्यूल पे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई करके और ये गणना करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बैंड इसमें प्राप्त होंगे, लगभग कितने पे हमें कौन सा अवशोषण बैंड प्राप्त होगा, तो लगभग हमें कौन सा ग्राफ प्राप्त होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ओरिजिनली ग्राफ कैसा है और जो हमने अनुमान लगाया आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिस पे वो ग्राफ कैसा है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।